वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जो कि एप्पल वॉच को यूज करते हैं या फिर एप्पल वॉच को बाय करना चाहते हैं, खास तौर पर सेलुलर। तो यहां पर दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एप्पल वॉच सीरीज SC 44mm सेलुलर की। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहां पे जो वॉच देख रहे हैं एप्पल वॉच SC, ये सेलुलर नहीं है। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी यहां चैनल पर आ चुकी है, तो आप चाहें तो वो अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो यहां पे सेलुलर में और नॉन सेलुलर में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्या लेना बेनिफिट रहेगा, क्या 3-4 हज़ार रुपए जो हम एक्स्ट्रा देते हैं क्या उनको देना वर्थ है। तो यहां पे दोस्तों हम इस वॉच की अनबॉक्सिंग आज करने वाले हैं और सारे फीचर बताऊंगा, सारी की सारी चीजें डिटेलिंग इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारी एप्पल वॉच SC 44mm सेलुलर का बॉक्स। तो आजकल एप्पल के जो बॉक्सेस हैं वॉचेस के, वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो अगर आप सीरीज 6 भी बाय करते हैं तो आपको इतना ही पतला बॉक्स मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको चार्जिंग डॉक देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर पीछे सारी की सारी डिटेल इस वॉच की यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो वॉच है ये स्पोर्ट बैंड के साथ आती है, आप चाहें तो लूप बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन दोनों ही आपके पास होते हैं। ये ब्लैक कलर है, बेसिकली स्पेस ग्रे है, आप चाहें तो वाइट के साथ भी जा सकते हैं, जिसका कि क्रोम है वो सिल्वर कलर का आता है, सिल्वर उसे बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल जाता है, लूप बैंड काफ़ी सारे आजकल आ गए हैं तो आप ले सकते हैं। तो अंदर से हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके का निकलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वॉच जो है वो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में है, स्पेस ग्रे कलर में है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमने ओपन कर दिया और ये रही हमारी वॉच, हमने ऑलरेडी से अनबॉक्स कर दिया है वैसे। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा पेपर वर्क आपको मिल जाता है, तो आप काफी चीजें जान सकते हैं इन पेपर वर्क से। और ये रहा हमारा चार्जर जो कि हमारी वॉच को चार्ज करने के लिए, बेसिकली वायरलेस चार्जर होता है एप्पल वॉच के लिए स्पेशली ये आता है, तो इससे हम अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी वॉच दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारी एप्पल वॉच SE और यहां पर आपको बता दूं ये 44mm में है, वैसे 40mm में भी आती है। पीछे की तरफ आपको सेंसर्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर बात करते हैं सीरीज 6 की, तो उसमें एक्स्ट्रा सेंसर्स मिलते हैं, क्योंकि अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन को भी मैप करने के लिए होता है, ECG भी मिलता है। ये रेड डायल जो आप देख रहे हैं ये इस चीज़ का सबूत है कि ये सेलुलर है, जिसमें ये रेड डायल नहीं होता है, वो नॉर्मल GPS होती है। और ये स्पीकर के लिए स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑल ओवर साइज काफ़ी बढ़िया है, 44mm काफ़ी सही डायल साइज होता है। ऑन कर दिया मैंने इसको और ये रहा हमारा बैंड, ये अलग से आता है, इसी के अंदर डब्बे के अंदर निकलता है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको और यहाँ पे एप्पल वॉच लिखा हुआ है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपका जो स्ट्रैप है वो मिल जाता है। अगर आपका रिस्ट थोड़ा सा छोटा है तो दोनों ही बैंड आपको मिलते हैं, आप चाहे तो छोटा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एप्पल ने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, नहीं तो वो मोस्टली करते ही हैं। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ईजिली बैंड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट से एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से लगाना है, बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट आपको कुछ इस तरीके से इसे फिट कर देना होता है और काफ़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। काफ़ी सारे बैंड्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं। मैंने भी एक बाय कर लिया है और एक कवर भी बाय किया है, वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसा कवर और कैसा स्ट्रैप बाय किया है। तो बहुत बहुत कूल स्ट्रैप इसके आते हैं। और यहाँ पर वॉच को मैंने ऑन कर लिया है, सेटअप मैं इसका ऑलरेडी कर चुका हूँ तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, पहले वाली वीडियो डाल दूंगा तो देख लेना कैसे सेटअप करना है, बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डायल्स मिल जाते हैं आपको और ये पूरा का पूरा आप इसका मेन्यू देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं सारी आपको वॉच में मिल जाएंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, आपका कोई भी हो, यूट्यूब हो। उसके अलावा कॉल्स आपको इस पर अटेंड कर सकते हो, आपके मैसेजेस अटेंड कर सकते हो, चाहे GPS है चाहे सेलुलर है। बस ये होता है कि सेलुलर तब भी काम करती है जब आप अपने फ़ोन के पास नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल डाटा में आप देख सकते हो जियो का प्लान यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि मैं ये वॉच जो है सेलुलर में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यही जो नंबर मेरा फोन में चल रहा है वही नंबर यहां पे चल रहा है, तो आप इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों कर सकते हैं यहां पर बहुत इजीली। तो अगर आपको थोड़ा बैटरी सेव करना है, फ़ोन आपके पास में ही है तो इसे ऑफ़ कर दीजिए, काफ़ी बैटरी आपकी सेव हो जाएगी। और अगर फ़ोन छोड़ के कहीं जा रहे हैं तब आप इसको यूज़ कर लीजिए। वॉच फेसेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं और काफ़ी सारे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूँ इसके चिप की, तो यहाँ पर जो हमें चिप मिलता है वो एप्पल का S5 चिप मिलता है, प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी एप्पल वर्कआउट की आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। आप नींद के लिए भी इसके अंदर ऐप आपको देखने को मिल जाता है, स्लीप ऐप मिल जाता है, SOS मिल जाता है, हार्ट हेल्थ मिल जाता है। तो अगर आपका जो हार्ट रेट है वो हाई होता है, लो होता है, तो वो भी ये नोटिफिकेशन वगैरह देता है। और अगर आप फॉल कहीं गिर जाते हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, तो फॉल डिटेक्शन भी इसके अंदर होता है, तो आपका SOS जो है वो वहाँ से चला जाता है।
50 मीटर तक ये जो वॉच है वाटर रेजिस्टेंस है, तो अगर आपकी वॉच पानी में चली जाती है, आप नहा भी लेते हैं या कोई दिक्कत इस तरह की हो जाती है, मतलब बारिश में भीग जाते हैं, तो तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वॉच में पानी नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1GB की रैम इसके अंदर मिलती है। इसका जो CPU है वो ड्यूल कोर है, S5 प्रोसेसर का इसमें यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे 32GB इंटरनल मिलती है, ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और इसकी बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो 18 आवर्स की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है, पर मैं आपको बताऊँ कि 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल ही जाएगा। सेलुलर में मेरे को इतना मिल ही रहा है, जैसे मैं सुबह चार्ज करता हूँ 100%, तो शाम तक 55 या 50% तक होती है, तो इस हिसाब से 2 दिन चल जाती है सेलुलर। सेलुलर का मैं रेगुलर इस्तेमाल नहीं करता, कभी 1-2 घंटा 3 घंटा कर लिया, तो इस हिसाब से 2 दिन का बैटरी बैकअप मुझे मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, रेटिना ओलेड डिस्प्ले है ये, 1.78 इंच इसका साइज है और काफ़ी बढ़िया साइज है। 320 पर पिक्सल डेंसिटी इसमें आपको देखने को मिलती है और 1000 नीट की पीक ब्राइटनेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो आप अगर धूप में भी इसको देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। सीरी पूरी तरह से कंपेटिबल है, अच्छे तरीके से काम करती है, और सीरी को मैं बहुत ही अच्छा AI मानता हूँ दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ वो करेंगे तो सीरी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर दूँ कि अगर सीरी 6 की बात करता हूँ ऐसी से कंपेयर करते हुए, तो 2 चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, एक तो ऑलवेज ऑन स्क्रीन मिल जाता है आपको सीरीज 6 में, और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन के लिए आपको मिल जाता है और ECG मिल जाता है, तो वो चीज़ आपको SE में यहाँ पे नहीं मिलती है, ऑल ओवर बाकी सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, तो वॉच काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई अनबॉक्सिंग की, और मैंने इस वॉच के सारे फीचर भी आपको बताए, पर यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर आप एक एप्पल वॉच लेने जा रहे हैं तो क्या आपको एप्पल वॉच GPS लेनी चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए एप्पल वॉच सेलुलर के साथ, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों के मन में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जिसके अंदर आप एप्पल वॉच सेलुलर ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि 2-3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये सेलुलर के लिए देना क्यों वर्थ है, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप 30-35 या फिर 40-50 हज़ार रुपये एक वॉच के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग में वॉक पर जाते हैं, या फिर कभी जल्दी जल्दी में अपना घर पर फ़ोन भूल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, या फिर कोई और सिनेरियो ऐसा हुआ कि आपकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो यहाँ पर आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि आपको अपना फोन या तो घर पे लेने जाना पड़ेगा, और अगर आपके फोन की बैटरी चली गई है तो आपको अपने फोन को चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की जो सेलुलर वॉच है वो बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली आपका फोन यहाँ पे टर्न ऑफ हो गया है या फिर आप घर पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे जो आपकी वॉच है उसके अंदर टावर आते रहेंगे, वो सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट रहेगी, तो आप किसी भी कॉल को मिस नहीं करेंगे, कोई मैसेज आएगा उसको भी मिस नहीं करेंगे, और अगर आपका फोन घर पे छूट गया है और नेटवर्क से कनेक्टेड है तो जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी आपको आपकी वॉच के ऊपर मिल जाएंगी, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मेल है उस मेल को भी आप यहां से जो है कंपोज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो काफी चीजों में जो सेलुलर वॉच है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। पर्सनली दोस्तों मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट साबित हुई है, और मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता हूं कि कोई भी अगर एप्पल वॉच लेने जा रहा है तो 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा खर्च करके उसे डेफिनेटली सेलुलर वॉच को लेना ही चाहिए। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तब आप देख लीजिए कि क्या आपको इतनी जरूरत है, कि आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियो कभी बनते हैं तब आपको खैर सेलुलर की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो अपने 8-9 हज़ार रुपये या जितने भी आपके पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसे आप सेल करके GPS यहां पर ले सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी एप्पल वॉच GPS रह चुकी है, पर मैंने यहां पर फिर भी कंसीडर किया कि हमें सेलुलर के साथ जाना है, क्योंकि मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना फोन बहुत बार भूल जाता हूं, कहीं रख के भूल जाता हूं, तो इस तरह की चीजें रहती हैं, कभी बैटरी चली जाती है, तो मैं काफी इंपॉर्टेंट जो कॉल्स अपनी मिस कर देता हूं, पर सेलुलर के साथ ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और आपका नेटवर्क प्रीपेड भी है तो यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा प्लान आपको लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके ऊपर eSIM एक्टिवेट कराने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, बस आपकी जो वॉच की एप्लीकेशन होती है फोन के अंदर, उसके अंदर आपको रजिस्टर कर देना है अपने जियो के नेटवर्क से, और आपका जो सेलुलर प्लान है वो इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अलग अलग नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ नेटवर्क शायद चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, किसके अंदर पोस्टपेड प्लान चाहिए, पर जियो के अंदर तो फाइनली आपको कुछ नहीं चाहिए। तो जो नेटवर्क मेरे फोन के ऊपर यहां पर चल रहा है वही नेटवर्क मेरे इसके ऊपर भी चल रहा है, आप उन्हें ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहां पे एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप सेलुलर यूज कर रहे हैं तो अगर आप उसे ऑन करके रखते हैं हमेशा तो बैटरी लाइफ आपको थोड़ी सी कम मिलती है एज कंपेयर टू GPS, पर अगर आप उसे ऑफ कर देते हैं जब आपको उसकी जरूरत है तभी ऑन करते हैं तब आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहां पर बस यही छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑल ओवर यहां पर डेफिनेटली मैं कंसिडर करता हूं कि अगर आप एप्पल वॉच लेने जा रहे हैं और अगर आप 2-3 हज़ार 5 हज़ार ज्यादा पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक सेलुलर वॉच लेना हमेशा ही एक बेनिफिट सौदा रहता है। तो यहां पर दोस्तों यही बेसिक सी बात है जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। ऑलरेडी एप्पल वॉच की बहुत सारी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, तो आप चाहकर वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा। इस टाइम पर अगर बात करते हैं SE सेलुलर की, तो इसका जो प्राइसिंग आ रहा है तकरीबन 37,000 रुपए के आसपास आ रहा है,
डिपेंड करता है कि आप किसी स्टोर पे लेने जा रहे हैं तो 1,500 रुपए का आपको डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है, पर ऑल ओवर इसका प्राइसिंग यही आ रहा है। इसमें कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर देखने को मिल जाता है, ब्लैक देखने को मिल जाता है, बैंड डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मेरी एप्पल वॉच सेलर का अभी अभी कलर कैसे चेंज हो गया, येलो हो गया, ऊपर से इसकी कवरिंग भी काफी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं केस यूज कर रहा हूँ अपनी एप्पल वॉच के ऊपर और यहाँ पर ये स्ट्रैप यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह के बहुत कूल कूल स्ट्रैप्स आते हैं, मैं उन सबके लिंक्स दे दूंगा जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहां पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। और इस तरह का केस अगर आप लेना चाहते हैं जो कि आपकी वॉच को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। डेफिनेटली सी बात है अपनी वॉच के ऊपर से जरूर कंसीडर करना, नहीं तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और इतने पैसे देने के बाद आप यहां पर स्क्रैच नहीं डालना चाहोगे अपनी वॉच के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों एप्पल वॉच सेलुलर के ऊपर मेरी यही वीडियो थी। और दोस्तों आप में से जो भी लोग एप्पल वॉच ऑन करते हैं, क्या वो सेलुलर करते हैं, जीपीएस करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या और क्या आपके लिए कभी सेलुलर वॉच का होना बेनिफिशियल रहा है, ये तो मुझे जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप एप्पल वॉच को बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिर आज की वीडियो क्या यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियो के लिए शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।